हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवामुनि स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड सिक्स, उसमें रिमझिम, सॉरी वसंत, वसंत हिंदी, उसमें चैप्टर नंबर 14 लोकगीत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स अपना लेसन। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत है, घर गांव और नगरी की जनता के गीत है ये। इनके अलावा साधना की जरूरत नहीं होती, इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं, सदा ये से ये गाए जाते रहे और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही साधारण ढोलक, झाल, जाज, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, लोकगीत ये हमारा चैप्टर है कि लोकगीत है, यानी कि लोगों द्वारा, लोगों से जो गीत गाए हुए हैं उसे लोकगीत कहते हैं। ये शास्त्रीय संगीत की जैसा नहीं है, अलग है ये लोकगीत। लोकगीत आप सीधे सीधे ही गा सकते हैं। घर गांव और नगर में की जनता है वो लोकगीत की रचना करती है ज़्यादातर, और इसके लिए कोई साधना की जरूरत नहीं पड़ती। आप डायरेक्ट ही लोकगीत की रचना कर सकते हैं। और गांव में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोकगीत की रचना होती है, इसमें स्त्रियां है वो सबसे ज़्यादा भाग लेती है। ये लोकगीत है, साधारण ढोलक है, जाज है, करताल है, बांसुरी से इनसे भी गाया जा सकता है। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको है ही समझा जाता था, अभी हाल तक इतनी बड़ी उपेक्षा की जाती थी, पर इस साधारण जनता की ओर जो लोगों की नज़र फिरी है, तो साहित्य और कला क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है, और इसी प्रकार अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं। यानी कि फ्रेंड्स, पहले के ज़माने में तो कि शास्त्रीय संगीत के सामने लोकगीत कुछ नहीं था, उसे उसकी उपेक्षा करती थी की जाती थी लोकगीत, लेकिन लोग हैं वो लोकगीत के जरिए अपने भाव प्रदर्शित करते थे। और इतने सारे कवियों ने अलग अलग भाषाओं में, जैसे गुजराती, हिंदी, बंगाली, इन सभी भाषाओं में लोकगीत आज प्रचलित हो गए हैं और प्रकाशित भी हो रहे हैं। लोकगीत के कई प्रकार हैं। इनका प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड, खांड, अरव, मुंडा, भील, संताल आदि फैले हुए हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंधे न सका और निर्दर्द लहराता है। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते दिशाएं गूंज उठती है। यानी कि फ्रेंड्स, लोकगीत तो कई प्रकार में लोकगीत पाए जाते हैं हमारे देश में। उसमें जो आदिवासी लोग हैं उनका एक संगीत का प्रकार ये बन गया है। और आदिवासी लोग हैं जैसे मध्य प्रदेश है, दक्कन है, छोटा नागपुर है, उसमें जो गोंड, खांड, ओराव, मुंडा, भील, संताल, ये सब जाति है। जैसे अलग अलग जातियों में हम यहाँ पे रहते हैं, वही इसकी जाति है। और इसके यहाँ पर जो लोकगीत है वो काफ़ी प्रचलित होता है। 20-20, 30-30 आदमियाँ मिलकर और औरत मिलकर ये लोकगीत गाते हैं और सामने सवाल जवाब में उसके जवाब भी देते हैं। पहाड़ियों के अपने अपने गीत है, उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हैं, हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियाँ है। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है, यानी पहाड़ी के साइड है, यानी कि नॉर्थ, उत्तर में जो लोग है उनके, जो गढ़वाल है, किन्नौर है, कांगड़ा है, ये सब जो जाति के लोग हैं वो अपनी रीति में ये सब गीत गाते हैं, इसलिए इसे पहाड़ी नाम दिया गया है लोकगीत में, पहाड़ी लोकगीत। वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में है। इनका संबंध देहात की जनता से बड़ी जान होती है। इनमें चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिम जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत है। पंजाब में माहिया आदि इस प्रकार के हैं। हीर रांझा, सोहनी महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में और ढोला मारू आदि गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोकगीत हमें मिलते हैं, जैसे चैता, कजरी और बारहमासा है वो मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश में गाए जाते हैं, पश्चिम बिहार और पश्चिम जिलों में गाया जाता है। उसके बाद बाउल और भतियाली है वो बंगाली के लोकगीत है, बंगाल के। उसके बाद पंजाब में जो लोकगीत बोलते हैं उसे माहिया बोलते हैं। उसमें हीर रांझा, सोहनी महिवाल, ऐसे जो गीत होते हैं उस पर ये लोकगीत
ये सब लोकगीत उसमें गाए जाते हैं। और ढोला मारू जो राजस्थानी प्रकार है वहाँ पे गाया जाता है। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं, जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं। उनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि है। कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि दोहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, ये जो लोकगीत होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादातर तो हम जो जीवन जीते हैं, हमारा जो जीवन होता है उसी के आधार पर, हम जो जिंदगी हमारी जीते हैं उसी के आधार पर ये लोकगीत गाए जाते हैं। उसमें बहुत असाधारण से जो राग होते हैं, जैसे पीलू है, सारंग है, दुर्गा है, सावन है, सोरठ, ऐसे राग के अंदर ये सब गीतों की रचना होती है। कहरवा, बिरहा और धोबिया है वो देहांत होते हैं। उस ये देहांत के जरिए वो बड़ी मात्रा में लोगों इकट्ठा कर सकते हैं, यानी ऐसा गीत गाकर बड़ी मात्रा में लोग आ सकते हैं। उनकी इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुके है कि ये सभी लोकगीत गाँव और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं, इसी कारण बड़े आह्लादकर और आनंददायक होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही है, इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनके सफलता का कारण है। यानी कि फ्रेंड, जो क्षेत्र में जो भाषा होती है उसके हिसाब से वो गीत गाते हैं। यानी कि जो जिस क्षेत्र में जिसकी भाषा हिंदी हो तो हिंदी के लोकगीत, गुजराती है तो गुजराती लोकगीत, इसके कारण लोगों के मन में ये छाप छोड़ जाते हैं। देखिए, यहाँ पर लोकगीत गाते हुए दिख रहे थे। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। उधर के जिलों में, विशेषकर बिहार में, विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं है। इन गीतों में अधिकतम रसक प्रियो और प्रियाओं की बात रहती है। परदेशी प्रेमी की ओर उन्हें करुणा और विरह का रस बरसता है। यानी कि भोजपुरी में फ्रेंड्स, विदेशिया नाम का एक काव्य प्रकार है, वो 30-40 वर्षों से ये प्रकार बोला जा रहा है लोकगीत में। और बिहार में कई ऐसे जिले हैं उसमें विदेशिया का प्रकार होता है। इसमें क्या होता है कि परदेशी प्रेमी है, करुणा और विरह है, उनका रस होता है कि कोई जो एक आदमी है वो बाहर काम करने के लिए जाता है तो वो घर में उसके सदस्यों की कौन सी स्थिति होगी, इस प्रकार का उसमें काव्य लोकगीत होता होगा। जंगली की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं, वो जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक और स्त्रियां दूसरी और एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं और दिशाएं गूंज देते हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन ह्रास हुआ है। देखिए फ्रेंड, जंगलों में भी ऐसे ही गीत गाते हैं, उसमें बिरहा नाम का गीत गाते हैं सब, जिसमें दो दल होते हैं, एक बाजू स्त्रियाँ होती है, दूसरी बाजू पुरुष होते हैं। और ये सब सवाल जवाब, जैसे हम हमारे जो शादियाँ होती है उसमें सवाल जवाब करके जो गीत गाते हैं, उसी तरह के गीत इसमें गाए जाते हैं। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय आने गाने आल्हा के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ तो इसका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से माना जाता है, जिसने आल्हा उदल की वीरता को अपने महाकाव्य में बखान किया। पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जनबोली में इसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा और ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव गांव ढोलक लिए गांव फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रसैयों पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक है और इनके अपने बोल है। तो फ्रेंड, जो एक दूसरा प्रकार है आल्हा नाम का प्रकार है, जो बुंदेलखंड के जो चंदेला राज जो राजाओं था उनके एक राजकवि जगनिक थे, उन्होंने ये काव्य प्रकार बनाया है आल्हा। और इनके जो गीत है वो ज़्यादातर लोग नाचने गाने वाले होते हैं, जो गाँव में आते हैं, शहरों में वो नाचते गाते हैं और जो गीत बोलते हैं उसमें ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है। ये गद्य प्रकार का गीत होता है। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीत की है तो गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतम उन्हें औरतें ही गाती है। इन्हें सिरजती भी अधिकतर वही है, वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों को संबंध विशेषतः स्त्रियों में है। इस दृष्टि में भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जन गीतों से अलग और भिन्न नहीं है, मिले जुले ही है। यानी कि फ्रेंड्स, जो ज़्यादातर ये लोकगीत है वो स्त्रियाँ गाती है,
यानी स्त्रियां है वो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोकगीत गाती है और रचना लोकगीत की करती है। पुरुष भी उसके मात्रा में करते हैं लेकिन इतने नहीं जितनी स्त्रियां करती है। भारत एक अकेला देश है जिसमें ही ये लोकगीत स्त्रियां रचती है। दूसरे देशों में थोड़े से ऐसे देश है वहाँ पर स्त्रियाँ है वो ये गीत गाती है, नहीं तो कहीं भी किसी भी देश में ऐसा नहीं होता। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के नहाने जाते हुए राह के विवाह के मटकोड जोनार के संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के जन्म आदि की सभी अवसरों पर अलग अलग गीत है जो स्त्रियां गाती है। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं बड़े प्राचीन काल से वे गाती है। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में इनके गीतों का हवाला दिया है। सोहर बानी सहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ है। वैसे तो 12 मास पुरुषों के साथ नारियां भी गाते हैं। यानी कि फ्रेंड जो लोकगीत है वो लोकगीत यानी जो गाने हैं वो स्त्रियां गाती है। हमारे जो घर में जब कोई प्रसंग होता है जैसे किसी की शादी होती है, किसी के यहाँ बच्चा होता है या फिर किसी के घर में कोई ऐसा प्रसंग आया है जो त्यौहार होता है तो इस कारण हमें लोकगीत या फिर कुछ गाने गाते हैं, स्त्रियाँ गाने गाते हैं। पुरुष भी 12 मास गाने गाते हैं उसके साथ स्त्रियाँ भी गाती है। और महाकवि कालिदास जी ने तो लोकगीत का हवाला लिया था और सोहर बानी सहरा जैसे लोकगीत उन्होंने अपने किताबों में लिखे भी है, अपने ग्रंथों में लिखे है। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांधकर गाए जाते हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं, यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं। गाँवों और नगरों में गायिकाएँ भी होती है जो विवाह जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती है। सभी ऋतुओं में स्त्रियाँ उल्लसित होकर दल बांधकर गाती है, पर होली बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज है जो सुनते ही बनती है। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिली कोकिल विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी केरल और काठियावाड़ गुजरात राजस्थान से उड़ीसा आंध्र तक अपने अपने विद्यापति है। यानी कि जो गीत होते हैं साधारणतः वो क्या होता है कि नारियां जो स्त्रियां होती है महिलाएं होती है वो अकेली नहीं गाती, वो झुंड में गाती है। जब किसी के शुभ अवसर हो या फिर किसी का विवाह होने वाला हो, जन्म हो किसी के घर पर, तो ये सब स्त्रियां एक साथ गीत गाती, उनमें मेल नहीं होता लेकिन फिर भी वो अच्छा लगता है। जैसे कि हमारे यहाँ शादी होती तो शादी में लग्न गीत गाए जाते हैं गुजरात में, तो ये सभी स्त्रियाँ साथ में मिलकर गाती है। अगर कहीं कहीं में तो क्या होता है कि गीत बोलने वाले जो गायिकाएँ होती हैं उनको भी बुलाया जाता है गाँवों और नगरों में। जो हमारे एक अधिकतर मैथिली कोकिल विद्यापति है यानी कि पूर्वी के राज्यों में ये मैथिली कोकिल विद्यापति है उसके गीत गाए जाते हैं, लेकिन देश के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी केरल काठियावाड़ गुजरात राजस्थान उत्तर प्रदेश में सबने अपने अपने विद्यापति होते हैं, यानी कि अपने अपने गुरु होते हैं, वो खुद ब खुद बनाते हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गीत गाती है, अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है। गुजरात का एक प्रकार दलीय गायन गरबा है जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती है, साथ ही लड़कियां भी बजाती जाती है जो बाजे का काम करती है। इसमें नाच गान साथ चलते हैं, वस्तुतः यह नाच ही है, सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है जिसे दल के दल लोग गाते हैं, स्त्रियाँ विशेष तौर पर। यानी कि फ्रेंड जो स्त्रियाँ है वो ढोलक के मदद से वो क्या करते हैं, ये गीत गाती है और अधिकतर उसमें नाचते भी है। तो गुजरात में जब जो गरबा करते हैं वो भी एक काव्य प्रकार है जिसमें सभी औरतें घूम घूम पर गीत गाती है और नाचती भी है, और लड़कियां है वो बाजा बजाती है। और जो होली होती है होली में ब्रज के रसिया, ब्रज में होली होती है तो उसमें रसिया नाम का एक गीत है वो ज़्यादातर चलता है, लोग है वो दल में गाते हैं टीम में गाते हैं और स्त्रियां है वो विशेष तौर पर गाती है। गांवों के गीतों की वास्तव में अनंत प्रकार है। जीवन जहां इठला कर लहराते हैं वहां भला आनंद के स्रोत की कमी हो सकती है, उद्यम जीवन के ही वहां के अनंत संख्यक गाने प्रतीक है। यानी गांव में फ्रेंड्स जो ज़्यादा से ज़्यादा है वो लोकगीत गाए जाते हैं, उनके अनंत प्रकार है वहां पर, और जो गांव में उद्यम भरा जीवन होता है उसमें असंख्य गाने वहां पे गाए जाते हैं। और फ्रेंड्स ये जो काव्य जो पाठ लिखा है लोकगीत उसके कवि लेखक है उनका नाम है भगवत शरण उपाध्याय, उन्होंने ये लिखा है। चलिए आगे बढ़ते प्रश्न अभ्यास। निबंध में लोकगीतों को किन पक्षों की चर्चा की गई है, बिंदु के रूप में उन्हें लिखो। जैसे दो पक्ष होते हैं फ्रेंड्स,
एक स्त्रियों का पक्ष होता है, एक दूसरे में लड़कों का यानी कि पुरुषों का पक्ष होता है, और वो आमने सामने सवाल जवाब के रूप में गीत गाते हैं। हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से है? तो हमारे यहाँ स्त्रियों के जो हमारे शुभ अवसर होते हैं, हमारे कोई उत्सव होते हैं, किसी का विवाह होता है, जन्म होता है आदि पर ये गीत गाए जाते हैं। निबंध के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर यदि तुम्हें लोकगीत सुनने के मौके मिले हैं तो तुम लोकगीत की कौन सी विशेषता बता सकते हैं? तो लोकगीत में क्या होता है अपने कि सभी लोग गा सकते हैं, और उसके बाद उसकी भाषा इतनी सरल होती है कि हम उसे समझ सकते हैं, ये उसकी विशेषता है। पर सारे देश में अपने अपने विद्यापति, इस वाक्य का अर्थ है पाठ पढ़कर मालूम करो और लिखो। सारे देश में विद्यापति है यानी कि अलग अलग राज्य में, अलग अलग प्रांत में, अलग अलग जो ये गीत गाए जाते हैं तो वो खुद ब खुद बनते जाते हैं। वो कोई पर्टिकुलर ऐसे कोई कवि या कोई लिखता नहीं कि ये कवि ने लिखा और उसके बाद ये गीत गाए जाते हैं। कोई भी आदमी है, औरत है, वो गीत को लिख सकता है, बोल सकता है, इसलिए उसे अपना विद्यापति कहते हैं। अनुमान और कल्पना, तो फ्रेंड्स आप अनुमान और कल्पना लगा लीजिएगा। चलिए भाषा की बात, लोक शब्द में जोड़कर जितने शब्द तुम्हें सूझे उनकी सूची बनाओ। इन शब्दों को ध्यान से देखो, तो ध्यान से देखो और समझो इनके अर्थ की दृष्टि से क्या समानता है। इन शब्दों के वाक्य भी बनाओ, जैसे लोक कला, जैसे लोक गीत है, लोक कला है, लोक साहित्य है, लोक वार्ता है, लोक कहानी। बारहमासा गीत में साल के 12 महीनों का वर्णन होता है। अगले पृष्ठ का विभिन्न अंकों से जुड़े कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें पढ़ो और अनुमान लगाओ कि इनका क्या अर्थ है और वह अर्थ क्यों है। इस सूची में तुम अपने मन से सोचकर भी कुछ शब्द जोड़ सकते हो। तो 12 महीने देखिए फ्रेंड्स, 12 महीने हमारे होते हैं, जो कार्तिक से लेकर जो शुरुआत होती है उस महीनों के लिए जो गीत गाता जाए उसे 12 मासा कहते हैं। नीचे भी ऐसे शब्द दिए गए हैं, जैसे इकतारा, सरपंच, चारपाई, सप्तर्षि, अठन्नी, तिराहा, दोपहरा, छमाही, नवरात्र, चौहारा, को में से आदि वाक्य में संज्ञा को दूसरे शब्द के साथ शब्द संबंध दर्शाते हैं। झांसी की रानी पाठ में तुमने का के बारे में जाना। नीचे मंजरी जोशी की पुस्तक भारतीय संगीत की परंपरा से भारत के एक लोकवाद्य का वर्णन दिया गया है, इसे पढ़ो और रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखिए। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे हमने ये संयोजक बोलते हैं, जिसे चेहे पर को में से इन शब्दों का उपयोग होता है उसे संयोजक बोलते हैं। यहाँ पर एक वर्णन दिया गया है, एक गद्यांश दिया गया है, उसे हमें देखना है। तो चलिए देखते हैं। तुरही भारत के कई प्रांतों में प्रचलित है। यह दिखने में अंग्रेजी के एक ऐसे या भी अक्षर की तरह होती है। तो फ्रेंड्स ऐसे आपको की में इसमें आपको रिक्त स्थानों पर लिख देना है। भारत के मानचित्र में, भारत के नक्शे में, पाठ में चर्चित राज्यों के लोकगीत और नृत्य दिखाओ। तो भारत का नक्शा आप देखिएगा, उसमें अलग अलग राज्य के नाम लिखे होंगे कुछ करने को। अपने इलाके में के कुछ लोकगीत इकट्ठा करो, गाए जाने पर लोग वाले लोग मौकों पर उन्हें वर्गीकरण करो कि आपके इलाके में कौन कौन से गीत गाते हैं, उसका आप यहाँ पे लिखना है। उसके बाद जैसे जैसे शहर फैल रहे हैं और गांव सिकुड़ रहे हैं, लोकगीत पर उनका क्या असर पड़ा है। अपने आसपास के लोगों से बातचीत करके उन्हें अनुभव के आधार पर अनुच्छेद लिखो। तो फ्रेंड्स आपके आजू बाजू में आपके मम्मी पापा या फिर दूसरे पड़ोसियों को ये पूछकर आप लिख सकते हैं। रेडियो और टेलीविजन के स्थानीय प्रसारण में एक नियत समय पर लोकगीत प्रसारित होते हैं, इन्हें सुनो और सीखो। तो दूरदर्शन पर कई बार हमें लोकगीत सुनाई देने तो मिलते हैं, तो आप ये लोकगीत देखिएगा। चलिए केवल पढ़ने के लिए है, दो हरियाणवी लोकगीत यहाँ पे दिए गए हैं फ्रेंड्स, एक है ऋतु गीत। तो फ्रेंड्स ये आप पढ़िएगा, आपको सिर्फ पढ़ना ही है इसमें, और विदाई गीत यहाँ पर है, ये आपको दिए गए हैं। चलिए तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर, वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।